हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था कोरल ड्रॉ, जिसमें हम सीख रहे थे कि कैसे हम डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और शेपिंग्स के ऑप्शंस के साथ हम अलग अलग तरह के डिज़ाइनिंग्स बना सकते हैं। दोस्तों, हम लास्ट ट्यूटोरियल्स तक कर रहे थे कि हम कैसे इमेज को मैनिपुलेट करके कैसे हम इमेजेस के साथ काम कर सकते हैं और अपने डिज़ाइनिंग के लिए इमेजेस को अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कोरल ड्रॉ में है ब्लर। ब्लर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इमेज को धुंधला बना सकता है, या फिर किसी इमेज को हाईलाइट करने के लिए काम आता है। ब्लरी बैकग्राउंड्स वगैरह कर सकते हैं आप, और अलग अलग तरह के डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। तो देखते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में। मैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊँगा इफ़ेक्ट्स मेन्यू में आपको ब्लर के कुछ इफ़ेक्ट्स जो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट्स पे इनको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली आएगा, अदरवाइज बिना कंट्रोल के करेंगे तो ये आपका नॉर्मल किसी भी साइज़ में। तो मैं कंट्रोल के साथ ले लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्रोपोर्शनल में आ जाए। और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ रेड कलर, या आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इसकी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कॉपी प्लस के साथ मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसको मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं इसमें कलर फिल कर दूँगा, कुछ वाइट ही कलर फिल कर देता हूँ, और इसकी आउटलाइन कलर नन कर देता हूँ। ये आउटलाइन अभी मैं कर देता हूँ, रहने देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन से पीछे कर देता हूँ। और जो मैंने बड़ा सर्कल बनाया है, इसको मैं एक काम करता हूँ, बिट मैप मेन्यू में जाके कन्वर्ट टू बिट मैप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने CMYK के कलर 32 bits का ले रखा है, और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से रेजोल्यूशन दे सकते हैं, 200 या 300 DPI जितना आपको चाहिए। और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये एक हमारी एक इमेज बन गई है। मैं इसको F2 प्रेस करता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक काम हम करते हैं कि मैंने इसको बिटमैप बना दिया है। अब मैं इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ, और इफ़ेक्ट्स में ब्लर में जाके आप यहाँ पे कोई सा भी ब्लर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जितना आपको देना है। मैं रेडियस बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ, जितना भी आप देना चाहें उतना दे सकते हैं। अभी दोस्तों ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये वाइट कलर के ऊपर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले कैंसिल करता हूँ, और यहाँ पर डबल क्लिक करके एक बॉर्डर तैयार कर लेता हूँ। इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ ब्लैक। और अब मैं यहाँ पे इस सर्कल में अगर इफ़ेक्ट से ब्लर देता हूँ, गॉसियन ब्लर, तो देखिए क्या इफ़ेक्ट आएगा। जैसे ये यहाँ से कुछ धुंधला टाइप हो जाता है। मैं इसका रेडियस जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ, उतना ही ये थोड़ी शाइनिंग करता हुआ आएगा, ताकि आप देख सकते हैं कि जैसे कोई सूरज को या फिर कोई सा भी एक गोला हो आग का, तो वो आप देख सकते हो शाइनिंग करता हुआ आता है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ से इसका कलर मैं F11 प्रेस करके फाउंटेन फिल कलर से कोई सा भी कलर फिल कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, रेडियल कर देता हूँ, एलिप्टिकल फाउंटेन फिल। और यहाँ से मैं इसको आगे पीछे करके भगवा टाइप कलर कुछ बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, हल्का सा, जितना आप कलर देना चाहें उतना दे सकते हैं। और ओके करके इसकी मैं आउटलाइन नन कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से भी आप ब्लर का यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे मैं यहाँ से फिट इन विंडो कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, एक और सर्कल ले लेता हूँ कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे मैं इसको वाइट कलर दे दूँगा, और यहाँ पे इसको भी मैं कुछ इस तरह से रख देता हूँ यहाँ पे, और इसकी भी प्लस करके कॉपी कर देता हूँ। प्लस करके कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं फिल कलर नन कर देता हूँ, और राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन कर देता हूँ, और आउटलाइन को मैं कम से कम 10 तक बढ़ा दूँगा। और यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट टू बिटमैप कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ से मैं कन्वर्ट टू बिट मैप करने के बाद इसको भी मैं इफ़ेक्ट्स में से जाके ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर दे सकता हूँ। गॉसियन ब्लर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको देना है उतना। और इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर सकता हूँ इस सर्कल के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं एडिट के, तो मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। और इसमें मैं इफ़ेक्ट जो मैंने दिया वो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे मैंने गॉसियन ब्लर दिया था, तो गॉसियन ब्लर को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ
जैसे मैंने यहाँ पे कम कर दिया तो ये कम हो गया, इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ अंदर की तरफ, थोड़ा ये, और इसका मैं गॉसियन ब्लर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये इनर ग्लो की तरह आ जाएगा। और मैं इसको हल्का सा लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसमें मैंने इनर पार्ट का जो मैंने पावर क्लिप किया है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें मैं ट्रांसपेरेंसी दे देता हूँ और इसको मैं मोड चेंज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई या फिर आप कह सकते हैं कोई सा भी टेक्सचर, या फिर ऐड नॉर्मल सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं, या आप स्क्रीन वगैरह कर सकते हैं इसका, जो भी आप देना चाहें, कम ज़्यादा लाइटनेस या फिर टेक्सचराइज सेचुरेशंस वगैरह कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट बना सकते हैं सर्कल में। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपनी तरफ से कन्वर्ट टू बिटमैप करके इसमें इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। ये तो था गॉसियन ब्लर, और ब्लर के बहुत ही मतलब नॉर्मली आप कह सकते हैं बहुत ही बेसिक तरीके के ऑप्शंस थे। मैं दूसरा पेज एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक इमेज के साथ काम करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर में अपने पास एक इमेज रखी हुई है श्री राम जी की इमेज, मैं इसको कॉपी ड्रैग करके ले आता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ और इस इमेज को मैं पहले छोटा कर लेता हूँ पेज के साइज़ का, और यहाँ पे F4 प्रेस करूँगा तो ये फिट इन विंडो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ कि पीछे बैकग्राउंड कोई सा भी दे सकता हूँ, जैसे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, मैं अपना ही बना लेता हूँ बैकग्राउंड। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ कि इसको एक काम कर लेते हैं हम, कि राइट क्लिक करके इसको लॉक कर देते हैं अब हम, और यहाँ पे मैं वही सर्कल बना देता हूँ, कंट्रोल के साथ बनाऊंगा इनके सिर के पीछे, मैं थोड़ा सा वो ग्लो दिखाना चाहता हूँ आउटर ग्लो की तरह। यहाँ पे मैं अब यही कलर जो इसमें फिल किया है वही कलर मैं यहाँ पे भी फिल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको शायद प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में एक प्रॉपर्टी बताई थी, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, जो एडिट मेन्यू में होती है। यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं फिल कलर ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, और इसका कलर मैं इसके अंदर फिल कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन कलर नन कर देता हूँ और इसको मैं प्लस कर देता हूँ ताकि इसकी कॉपी हो जाए, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसमें वाइट कलर फिल कर दूंगा। अब वाइट कलर फिल करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट टू बिट मैप कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और कंट्रोल पेज डाउन से मैं इसको पीछे कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसको इफेक्ट दूंगा गॉसियन ब्लर का, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ब्लर आ जाएगा, और इसको और बीच वाले सर्कल को मैं कंट्रोल जी से ग्रुप करके कंट्रोल पेज डाउन कर देता हूँ। मेरी ये इमेज PNG है इसलिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, और अगर आप चाहें तो अनग्रुप करके बीच वाले सर्कल को आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, बीच वाले सर्कल को हटा के आप यहाँ पे राम जी की तस्वीर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप गॉसियन ब्लर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक काम ये करना चाहता हूँ कि मैं इसकी ड्रॉप शेडो लेना चाहता हूँ। ड्रॉप शेडो लेने के लिए मैं यहाँ पे शेडो पे क्लिक करता हूँ और इस इमेज की मैं ड्रॉप शेडो कर देना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारे पास शेडो आ गई हमारी राम जी की इमेज की, और मैं इसको शेडो को यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक ड्रॉप शेडो अपार्ट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे जो ये शेडो आई है शेडो को मैं कुछ कन्वर्ट टू बिट मैप करके इसमें मैं कोई और ब्लर भी डाल सकता हूँ, इफेक्ट में जाके मैं ब्लर डाल सकता हूँ, गॉसियन ब्लर या फिर आप मोशन ब्लर वगैरह डाल सकते हैं, रेडियल ब्लर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही मैं अमाउंट को आगे बढ़ाऊंगा तो देखिए इफेक्ट क्या आता है, थोड़ा सा ज़्यादा ये धुंधला हो गया, या फिर इसको रीसेट करके मैं इफेक्ट्स में से जाके मोशन ब्लर देख लेता हूँ, और इसकी डायरेक्शन आप जितनी चाहें उतनी दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको दे दिया कुछ 30 के करीब, तो ये कुछ इस तरह से धुंधला हो जाएगा, और यहाँ से आप पेपर कलर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, या फिर आप सैम्पल नियरेस्ट एजेस पिक्सल कर सकते हैं इसके लिए, और इग्नोर पिक्सल आउटसाइड का यूज़ कर सकते हैं, और इसका डिस्टेंस आप जितना कम रखना चाहें उतना कम रख सकते हैं।
तो ये हमारे कुछ ब्लर के ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और भी एक इमेज पे मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पेज लेता हूँ और एक इमेज मैंने ले रखी है, डाउनलोड्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज मैंने ये ले रखी है, इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूँ यहाँ पे और इसको जूम कर लेता हूँ। और जूमिंग सेट करने के बाद इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इमेज बहुत बड़ी है। मैं पी प्रेस करता हूँ और इसको सेंटर में कर देता हूँ। अगर आपको मेरा वो ट्यूटोरियल याद हो जिसमें मैंने अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन दिया था, उसमें मैंने पी प्रेस किया था ताकि ये पेज के सेंटर में आ जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ कि जो बीच में ये गर्ल है इसी की फ़ोटो थोड़ी हाईलाइट हो, बाकी सब ये ब्लर हो जाए। तो उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बेजियर टूल या पेन टूल की हेल्प से इसका सिलेक्शन ले लेता हूँ। मैं बेजियर टूल ले लेता हूँ, सारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसका सिलेक्शन ले लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन ले लिया। अब इसको थोड़ा सा जूम करके मैं इसमें शेपिंग्स कर देता हूँ, ताकि कंट्रोल ए करता हूँ और इसमें कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ, सारी शेपिंग्स हो जाएंगी मेरी कुछ इस तरह से। सिंगल एरो को भी मैं शेप्स कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना दिया है इसका। अब इस सिलेक्शन के साथ मैं इस फ़ोटो को भी सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ। तो आपको पता है यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं शेपिंग्स के, मैं इसमें से इंटरसेक्ट का यूज़ करूँगा। मैं इसका ट्यूटोरियल बेसिक ट्यूटोरियल्स में बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैं इसका जो ट्यूटोरियल है वो आई बटन पर भी ऊपर दे दूँगा। तो मैं यहाँ से इंटरसेक्ट कर लेता हूँ इसको। इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इमेज आ जाएगी। ये इमेज आ गई और ये सिलेक्शन आ गया और इस तरह से इमेज कट के आ जाती है। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ कि इस इमेज को इफ़ेक्ट लेता हूँ ब्लर में। आप रेडियल ब्लर दे सकते हो, गॉसियन ब्लर या स्मार्ट ब्लर, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो मोशन ब्लर या फिर गॉसियन ब्लर। मैं गॉसियन ब्लर का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अपना अमाउंट इसको बढ़ा देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी पिक्चर। और मैं इसका रेडियस बढ़ा दूँ तो ये कुछ इस तरह से पिक्चर को, आप एक पर्टिकुलर पार्ट को या एक पर्टिकुलर पर्सन को पिक्चर में से हाईलाइट करना हो तो आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपने ब्लर के इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो इसमें इफ़ेक्ट्स के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आप अपने हिसाब से लगा के दे सकते हो। जैसे अब मैं अगर इसको चाहूँ फेदर करना चाहूँ तो इफ़ेक्ट्स में फ़ेदर कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ब्लर में जाता हूँ और फेदर कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, कर्व में या लीनियर में जितना आपको चाहिए, विड्थ इसकी बढ़ा के कुछ इस तरह से, या गॉसियन में आप फेदर कर सकते हो। मैं इसका विड्थ जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ और कर्व में अगर करूँगा तो कर्व में हो जाएगा ये कुछ इस तरह से। या फिर मैं इसको इफ़ेक्ट्स में से जाके ब्लर में अगर आप देना चाहो तो स्मार्ट ब्लर दे सकते हो या रेडियल ब्लर आप दे सकते हो, जितना जो भी आपको देना हो। मैं यहाँ से स्मार्ट ब्लर आपको लगा के दिखा सकता हूँ। यहाँ से इफ़ेक्ट्स में गए और यहाँ पे मैं इसको जैगी डेस्पेकल इसका भी इफ़ेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं विड्थ एंड हाइट बढ़ा सकता हूँ इसकी जितना आप चाहो। अगर ये लॉक हटा दें तो आप इसकी विड्थ एंड हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट आप देख सकते हो, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से इफ़ेक्ट में से जाके ब्लर में से जाके लो पास या फिर मोशन ब्लर, रेडियल ब्लर, जो भी आप देना चाहें, स्मूथ करना चाहें स्मूथ कर सकते हैं, परसेंटेज जितना आपको स्मूथ करना है उतना स्मूथ करके आप यहाँ से एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ब्लर का इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हो यहाँ इफ़ेक्ट्स में से। मैं आगे और भी आपको बताऊंगा कैमरा कॉन्ट्रोल वगैरह से, या फिर कुछ इफ़ेक्ट हम फोटोशॉप्स वगैरह में ही करेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट फोटोशॉप के ही इफ़ेक्ट्स हैं सारे।
तो फोटोशॉप में हम अपने इफेक्ट्स और भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल केटेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।